हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और मतदान के दौरान सोनीपत से एक दुखद खबर सामने आई है। सोनीपत शिक्षा विभाग में तैनात वीरेंद्र नाम के कर्मचारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र गांव पुगतला के सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर तैनात था। कल अपनी टीम के साथ गांव सेरसा के लिए मतदान पार्टी के साथ निकला था, लेकिन बस में ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। पुलिस ने वीरेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत शिक्षा विभाग में तैनात क्लर्क वीरेंद्र निवासी गांव गंगाना की राई विधानसभा के गांव सेरसा में चुनाव करवाने के लिए ड्यूटी लगी थी और वो कल अपनी पोलिंग पार्टी के साथ जब गांव सेरसा पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब उसके साथी उसे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे तो उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी गई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया और उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र को पहले कोई बीमारी नहीं थी, ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी थी। इलेक्शन ड्यूटी थी और ये यहाँ से वोटिंग मशीन लेके जा रहे थे, रास्ते में बस में ही इन्हें चक्कर वगैरह आया और फिर वापस लेके हॉस्पिटल में आए, वहाँ आने के बाद शरीर पूरा हो गया। कर्मचारी की डेथ हुई है कल शाम को, जैसे ही वो सामान लेके निकले गांव में पहुंचे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद हमारी टीम लेके उसको परनामी की, परनामी वालों ने जवाब दिया तो खिम्स में लेके गए थे। माननीय उपायुक्त महोदय ने बात की, हमने बात की और सीएमओ साहब ने बात की, लेकिन वो रिकवरी नहीं कर पाए और शाम को उनकी डेथ हुई है लगभग 9:30 बजे। पोस्टमार्टम करवाया जाए, जो भी फॉर्मेलिटी सरकार की तरफ से है वो सारी की गई। मैंने परिवार से भी बात की है, परिवार के साले से भी बात हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी भी हेल्प है परिवार के साथ हम खड़े, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो भी है सारी मदद उनको दी जाएगी। ये क्लर्क के पद पर डीओ ऑफिस गन्नौर में तैनात था। हाँ, मैंने डीओ से भी बात की थी, डीओ भी उनके परिवार के साथ, तहसीलदार भी उनके परिवार के साथ मिलके आए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, और हमारा पूरा जो सरकारी तंत्र है उनकी मदद कर रहा है।